इन्हें आप कैसे देख रहे हैं, कितना पॉजिटिव है ये सब कुछ? नमस्कार, ऐसा है जो चाइना के बॉर्डर पे जो टेंशन चल रहा है वो अभी बहुत क्या है, आपने भी सुना होगा चाइना से, चाइना के लोग कितना वापस गया, तो बॉर्डर तो हमारा मिलिट्री और प्रधानमंत्री संभाल ही रहे हैं। अब ये कोरोना वायरस है जो जिससे पूरा दुनिया को चपेट में लिए हैं, तो आप नरेंद्र मोदी हैं तो भारत पे पूरी तरह कंट्रोल है और लद्दाख तो आज देश के टॉप पे रिकवरी में आए हैं, तो यहाँ पे हमारा अगर हमें यूटी नहीं मिला होता तो इस पे कंट्रोल नहीं होता। और दूसरे देखिए, हमारे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की हिल डेवलपमेंट काउंसिल सब लोग मिलकर कोरोना पे टोटली कंट्रोल करके रखे हैं। अभी ले ले ज्यादातर पूरे मार्केट खुले हैं और सारे जो लोग तो वो सारा कुछ ओपन चालू। दोर्जे साहब ये बताइएगा, आपने कहा कि देखिए सिचुएशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, कोविड 19 की जब मैं बात करूं तो हर दिन कोई ना कोई नया केस जो है वो सामने देखने को मिल रहा है, तो इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है कोविड 19 के हवाले से लेह के अंदर? अभी ये देखिए सर, यहाँ पे जो डेवलपमेंट का एक्टिविटीज है उस पे रुकावट ना आए, जहाँ पे सीजन छोटे है इसलिए हम बहुत सारे बाहर से लेबर फ्लाइट से या बाय रोड हम ला रहे हैं, तो उनमें से जितने जो पॉजिटिव निकल रहे हैं उनको ठीक ढंग से क्वारंटाइन करके आर्मी वाले अपने इलाके में, बीआरओ वाले अपने इलाके में क्वारंटाइन में रखे हैं, तो यहाँ के लोकल्स है उनमें बहुत ही कम अभी पॉजिटिव निकल रहे हैं, खास करके बहुत 65 से ऊपर हमारा रिकवरी का रेशो आया है। 1128 लोग लद्दाख के अंदर जो है वो पॉजिटिव है, 35 लोग कल भी आए थे, आज भी जो खबरें हैं वो इस तरीके की, आज भी कुछ लोग पॉजिटिव आए हैं, चलिए वो तो अपनी जगह, लेकिन ये भी बताइएगा लगातार जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर उनका, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा कि देखिए यूटी तो बनाया गया एक अच्छा कदम है, लेकिन यूटी बनने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो सबसे महत्वपूर्ण काम करने थे, शायद सरकार को और केंद्र को अब वो याद ही नहीं है, यही वजह है कि विकास का पहिया जो है जिस तेजी के साथ चलना चाहिए था वो चल नहीं पा रहा है और बहुत ही धीमी रफ्तार लद्दाख के अंदर इसकी है। जी अब देखिए साहब, अगर इस सिचुएशन पे यहाँ पे चाइना का जो गड़बड़ चल रहा है, यहाँ पे कोरोना चल रहा है, अगर कांग्रेस होता तो इस पे आप कांग्रेस का तो वैसे सोचो ही मत, पूरा देश में आपको मालूम है ये कांग्रेस वालों ने जितना बिगड़े हैं आज देश का रीबूटिंग हो रहा है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद लद्दाख को यूटी देना नरेंद्र मोदी और बीजेपी का काम है, और उसके बाद आप अनगिनत जो डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे लद्दाख को पहली बार यूनिवर्सिटी मिले हैं, लद्दाख को डिग्री कॉलेज दो दो अभी इसी साल मिले हैं, और लद्दाख को मेडिकल कॉलेज मिले हैं, टूरिज्म सेक्टर में सारे ट्रेकिंग रूट खुले हैं और एयरपोर्ट का एक्सपेंशन करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, और दूसरा ये कोरोना पे तो किसी का कह ही नहीं सकता, तो कोरोना के चलते हुए भी हमने डेवलपमेंट का एक्टिविटीज जैसे बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, अब बड़े स्तर पर बहुत स्तर पर ये डेवलपमेंट एक्टिविटी चल रहा है, तो बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर जब इंप्रूव होगा तभी हमें कह सकते। आप जो कांग्रेस की बात कर रहा है, इनकी वजह से हमारे यहाँ पे पूरा जमीन गया है, बॉर्डर डेवलप इन्होंने नहीं किया है, तो ये जो गलत पॉलिसीज कांग्रेस ने बनाया है उसको सुधारने में मोदी जी लगे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस कदर तैयार है कि कोरोना वायरस से तो हम लड़ रहे हैं बहुत सक्सेसफुली, और बाकी भी लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लद्दाख का पैशन, अपना ज्योग्राफिकल मैप बना है, अपना पॉलिटिकल मैप बने हैं, आप लद्दाख के कल्चर हो, लद्दाख के संस्कृति हो, इन सब के लिए आप काउंसिल दोनों ले और करगिल का काउंसिल और पूरा यूटी मिलके आप कहा जा रहा है कि सिक्स शेड्यूल में आज तक भी बीजेपी कोई लफ्ज नहीं बोल पाई है और यूटी को सिक्स शेड्यूल में लाना है उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, एक तो ये सवाल है, और दूसरा जो आप विकास के पहिए को घुमाने की बात कर रहे हैं किस तरीके से वो चल पाएगा जबकि 682 पोस्ट आपके पास होनी चाहिए और अभी आपके पास जो खाली वैकेंसियां बड़े अफसरों की 281 खाली है, यानी 251 आपके पास है, 250
पोस्ट खाली पड़ी है, किन की, कमिश्नर्स की, ज्वाइंट सेक्रेटरीज की, डिप्टी सेक्रेटरीज की, डायरेक्टर्स की, चीफ इंजीनियर्स की, एसीज की, एक साल होने को है और एक साल के अंदर ये काम भी नहीं हो पाया, तो फिर आप विकास का दावा कैसे कर पा रहे हैं? आप देखिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर को जो एक रेडीमेड स्टेट मिले हैं, हमारा जब शुरू से करना पड़ रहा है तो यहाँ पे एक स्पेशल हमारा काउंसिल है, तो इनके जो एक्ट को अमेंड करके हम इनको काउंसिल को स्ट्रेंथन करके, ये सिक्स शेड्यूल वाले बात कर रहे हैं ना, लद्दाख में 5 महीने से पूरा डिस्कशन हुआ है, सेमिनार हुए हैं, तो उस बेस पे हमारा मेन कंसर्न है हमारा लैंड का प्रोटेक्शन, एम्प्लॉयमेंट का प्रोटेक्शन, बिजनेस प्रोटेक्शन और जो भी हमारा जो कल्चर का प्रोटेक्शन है, उन सब पे अभी काम हो रहा है। बहुत ही जल्दी काउंसिल हमारे कल्चर पे काम करेगा और बाकी लैंड हो या एम्प्लॉयमेंट हो उसका प्रोटेक्शन होकर जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ जाएंगे, ये सारा जो पोस्ट आप बोले हैं एग्जाम का हो सारे का हो वो सब भर जाएगा। और हम अभी मोदी जी ने यानी एक मिनट दौरजे साहब, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लोगों को एक डोमिसाइल लॉ मिला है, उसी तरीके का लॉ लद्दाख की जनता को भी मिलेगा और बीजेपी हुकूमत उसको बना रही है, ये कहने का मतलब है आपका? बिल्कुल एब्सोल्युटली, वो होम मिनिस्ट्री से बहुत ही जल्दी ऑर्डर आएगा हमारा डोमिसाइल बने, जो लोकल लोगों की गिनती हो, लोकल लोगों को जब अपना स्टेट सर्टिफिकेट जिस तरह थे उस तरीके का सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसी बेस पे हमारा रिक्रूटमेंट रूल्स बनेगा और बाकी जो प्रोटेक्शन है लैंड हो बाकी इलाकों में भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बेस पे ही बनेगा। दौरजे साहब ये भी बताइएगा कब तक ये एक्सपेक्ट है ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, क्योंकि आज भी बीजेपी की बैठक 2-3 दिन से चल रही है तो उसमें ये सारी चीजें तो डिस्कस हो रही है, उस बैठक पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा, लेकिन डोमिसाइल की जो बड़ी ब्रेकिंग आप बता रहे हैं कि 2-4 ये जो डोमिसाइल लॉ है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर है उसी तरीके का डोमिसाइल अब लद्दाख के अंदर यूनियन टेरिटरी के अंदर भी आएगा, कब तक ये एक्सपेक्ट है और जो गाइडलाइन जम्मू कश्मीर के अंदर है क्या उसी पैटर्न का लद्दाख के अंदर भी होगा? नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, लद्दाख का जो लद्दाख के हिस्ट्री लद्दाख के कल्चर के बेस पे यहाँ के जो हिस्ट्री है उसी बेस पे डोमिसाइल बनेगा। दूसरा है जो आप हमारा यहाँ पे मीटिंग बहुत ले रहा है तो हमारे यहाँ पे जो संगठन का तरीका है वो बहुत साइंटिफिक चल रहा है, ये कांग्रेस की तरह नहीं है, तो हमारे संगठन को पूरा रेडी करके जो आने वाले इलेक्शन है उसकी तैयारी चल रहा है और उस तैयारी से पहले हमने जो बड़े बड़े जो काम किए हैं अभी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आने के बाद पता चलेगा आपको, बुछड़ हो जाएगा यहाँ डेवलपमेंट का। राइट सर, ये भी बताइएगा पार्टी के इलेक्शंस हो रहे हैं, पार्टी के अंदर जो है वो नए प्रधान को चुनने की कोशिश हो रही है, प्रेसिडेंट यूटी के लिए लद्दाख के लिए लाना है, बहुत से चेहरे सामने हैं, क्या कोई फाइनलाइज हुआ है कि किस चेहरे को दिया जाएगा सामने और कौन कमान संभालेगा यूनियन टेरिटरी लद्दाख बीजेपी को? हाँ उस देश से हमारा पिछला हफ्ता हमारा राम माधव जी हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी यहाँ आए, पूरी तरह एक दिन पूरी तरह हर तबके के लीडर से डिस्कशन किया और इसी बेस पे हमारा हाई कमांड यूटी का प्रेसिडेंट को फैसला करेंगे। तो कब तक ये फैसला एक्सपेक्ट है? बहुत ही जल्द हो जाएंगे। तो चेहरे कौन कौन से हैं? चेहरे तो बहुत है, आप कांग्रेस तो है नहीं, हमारा बीजेपी है तो बहुत अनगिनत हमारे पास लीडर है, उसमें से हम एक बेस्ट को चूज करके हम प्रेसिडेंट बनाएंगे। खबरें तो ये भी आ रही है कि स्टिंग एमपी जो हैं उन्हें पार्टी मन बना रही है कि उन्हें कमान संभाली जाए और वो यहाँ पर शुरुआत करें, तो अगर वो आते हैं तो सीनियर लीडर्स तो नाराज नहीं होंगे? देखिए एमपी भी एक हमारा नेताओं में से एक है और बाकी हमारे सीनियर नेता से भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह चलते है, तो परिवार में बुजुर्ग होगा, जवान होगा, एमपी होगा, हमारा सीसी होगा, हमारा काउंसिलर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर थे, हमारे पीडीसी थे, अब बहुत सारे लोग जीत के हमारे नेता आए हैं, तो हमारे पास नेता की कमी नहीं है, लेकिन हम बेस्ट पर्सन को हमारा यूपी के प्रेसिडेंट बनाएंगे। एक और चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है दौरजे साहब वो है कम्युनिकेशन, और लद्दाख के अंदर कम्युनिकेशन होना एक कार्यदारद वाला मामला है, बहुत से इलाके आज के दिन भी ऐसे हैं जहां पर टेलीकम्युनिकेशन का कोई सवाल ही नहीं है, फोन लैंडलाइन आप चला नहीं सकते हैं, फिक्स्ड पॉइंट्स है आर्मी की तरफ से जहां पर आप काम कर सकते हैं, अपना कोई फोन वोन कर सकते हैं, तो क्या कम्युनिकेशन की एंगल से भी लद्दाख को कुछ नई चीजें मिल सकती हैं?
ये देखिए पिछले हफ्ता हमारे पास एसओपी से फंड आए हैं, 54 जियो टावर हमारे लगाए जिससे इंटरनेट भी चलेगा और अच्छे कम्युनिकेशन जाएगा। तो 54 हमारा जियो टावर आए हैं ले और करगिल दोनों में, जो भी हमारा बैकवर्ड एरिया है उन सब में टावर लग जाएगा और जहां कमी रहेगा और भी हम उसका लिस्टिंग बना रहे हैं कि हम इसको पूरा डिजिटली कनेक्टेड बनाने के जो मुहिम है वो ऑलमोस्ट डन हो गया। दौरजी साहब एक आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि सोलर एनर्जी का पोटेंशियल पूरे लद्दाख यूटी के अंदर बहुत ज्यादा है, 1 लाख मेगावाट के करीब माना जा रहा है कि पोटेंशियल है जिसको यूज किया जा सकता है सोलर और विंड, आज तक टैप नहीं हो पाया। लास्ट गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया, इस गवर्नमेंट ने भी फंड्स दिए लेकिन लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन उसे यूज नहीं कर पाई। क्या अब एक्सपेक्ट किया जाएगा कि स्ट्रीमलाइन हर एक चीज होगा? ये देखिए सोलर का पोटेंशियल तो आप जानते ही है, लद्दाख का सबसे हाईएस्ट जो सोलर पोटेंशियल है उसमें प्रोजेक्ट बने हैं। तो हमें लगता है कि अगर लद्दाख का पूरी तरह हम यूटिलाइज करें तो पूरा नॉर्थ इंडिया को हम बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उस क्षेत्र में हम कम कर रहे हैं। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, लद्दाख टोटली ऑर्गेनिक होने जा रहा है, उसके लिए पूरी तरह फंड 500 करोड़ रुपए सेंक्शन है और लेह और करगिल में पूरे सर्दी बार सब्जियां उगाने का जो प्लान है ग्रीन हाउसेस का वो तैयार हो गया है। तो अभी जो सिंचाई का वाटर लिफ्टिंग का है हमारा पूरा सोलर एनर्जी इस्तेमाल करके पूरा वाटर लिफ्टिंग करके जो अभी 40% हमारे कल्टीवेबल लैंड को अभी तक तो 20% ही कर रहा है, अभी पूरा 40% लाने के बाद हम आत्मनिर्भर जो मिशन कर रहा है, हम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे जो लद्दाख के हर क्षेत्र में हम सेल्फ रिलायंट होकर एक मॉडल यूटी एक मॉडल स्टेट बनकर उभर आएगा, आप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दौरजी अनचुक साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ले से हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि किस तरीके से पार्टी संगठन यानी बीजेपी काम कर रहा है और बड़ी ब्रेकिंग जो इन्होंने बताई वो ये बताई कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए बहुत जल्द डोमिसाइल का कानून मरकजी वजारत दाखिला यानी होम मिनिस्ट्री की तरफ से बनाया जा रहा है और इसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्द होगी। फिलहाल 5 के 5 में आज मेरे साथ बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।